Welcome to the GASV online classes. Today I will start percentage chapter and third part, fourth part of percentage chapter. ये part fourth है. कि देखो बेटे percentage एक ऐसा chapter है जिसमें कई part में video बनेगा. सारा part देखना जरूरी है, तब आप exam में percentage का question नहीं भूलेंगे. क्योंकि जितने तरह के कम्पटिटिव एग्जाम है, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या पीसीएस हो, या डीआरडीओ हो, या डीएसएसबी हो, या केबीएस का टीचर का हो, तो सभी एग्जाम में, या सीपीओ हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्लैट हो, या मैट हो, या जीमैट हो, सभी में पूछे जाते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन. तो हम 3D पर बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3D. 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल. 3 डायमेंशनल में बेटे होता क्या है, लेंथ भी हुआ, ब्रेथ भी हुआ, और हाइट भी हुआ. तीनों चीज जिसमें मेंशन होता है. और एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो बेस्ड होता है वॉल्यूम पर आधारित होता है ना. लेंथ, ब्रेथ और हाइट वॉल्यूम में ही इस्तेमाल. जैसे मान लो ये आपका क्यूब है, इसमें लेंथ भी दिया हुआ, ब्रेथ भी दिया हुआ है, और हाइट भी दिया हुआ है. तीनों चीज का ही तो 3 डायमेंशनल हो गया. चाहे आप क्यूबॉइड का ले लो, ये है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया, तो 3 डायमेंशनल हो गया. ये स्फीयर है, स्फीयर ये भी 3 डायमेंशनल होता है, 3D फिगर होता है. देखो जबकि सर्कल जो है 2D होता है, क्योंकि खोखला होता है. ये पूरा सॉलिड है स्फीयर, इसलिए 3 डायमेंशनल होता है. तो 3 डायमेंशनल पर बेस्ट क्वेश्चन आता है तो जनरली वॉल्यूम पर आधारित होगा. देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. जैसे क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डायमीटर. डायमीटर का मतलब होता है व्यास, है ना. डायमीटर ऑफ स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय इज रिड्यूस बाय 10%. यानी डायमीटर को देखो, सर्कल में ये सर्कल है, ये जैसे ये डायमीटर होता है. अगर स्फीयर है तो ये जो है डायमीटर होता है, बीच में आपका सेंटर होता है, हाफ पोर्शन जो है वो रेडियस होता है. तो ये 2R हो गया है ना. उसको D से भी इंडिकेट किया जाता है, D से भी इंडिकेट किया जाता है डायमीटर को. तो कह रहा है डायमीटर ऑफ स्फीयर रिड्यूस बाय 10% बाय व्हाट परसेंट डिड इट्स वॉल्यूम रिड्यूस्ड. अगर इसका डायमीटर 10% रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम कितना परसेंट घटेगा. ध्यान देना बेटे, इसमें हमने आपको बताया कि 3D में क्या होता है. अब जैसे इसका जो वॉल्यूम निकालते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वह 4/3 πr³. πr³ का मतलब है कि r 3 बार, r × r × r, ये हो गया. जबकि हमने जो फार्मूला तुमको बताया था वह सिर्फ 2 लेंथ ब्रेथ पर था. तो सबसे पहले 2 निकालना है, उसके बाद तीसरे से कंपेरिजन करना है. तरीका वही होगा, ध्यान दीजिएगा. इसमें क्या हो जाएगा, 10% रिड्यूस हो रहा, तो -10 -10 +10 × 10 / 100. ये 0 0 कट गया, इसका मतलब है -20 + 1 हो गया, इसका मतलब -19%.
पहले हम दो ही आर का इस्तेमाल किए हैं, अब देखो इसको तीसरे से करना है। ये भी निगेटिव, चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव होगा, इसका मतलब है माइनस द माइनस 19 और उसके बाद माइनस हो जाएगा 10, फिर प्लस हो जाएगा 19 इंटू 10, चूँकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया बटा में 100, इसका मतलब माइनस 29 और प्लस हो जाएगा 1.9 हो जाएगा 190/100। अब इसको घटाएंगे तो 27.1 हो जाएगा निगेटिव में इतना परसेंट, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा 27.1% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस 29 में अगर तुम 1.9 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 8 में से 7 हो गया, ये आपका 27.1%, यानी उसका वॉल्यूम घट जाएगा, यानी पहले जो वॉल्यूम था। तो देखो सबसे पहले हम दो पोर्शन में जो फार्मूला आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ये तो दोनों इनक्रीज वाला केस में होता है, लेकिन अगर डिक्रीज है तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटा 100 अगर दो इनक्रीज। तो चूँकि वॉल्यूम में हमेशा 3D है ये, तो पहले दो आर का ही इस्तेमाल होगा, उसके बाद वो जो निकलेगा वॉल्यूम वैल्यू जो निकलेगा उसको थर्ड से कंप्रेस, तो आपका आंसर ऐसे अगर तुम निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 3-4 मिनट लगेगा, हो सकता है फाइनल में आप पहुँचे नहीं, और उसके बाद आपको यहाँ जो है विद इन सेकेंड में आप निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस ए सिलेंडर रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, जानते होंगे रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5% इंक्रीज्ड। एंड हाइट इज इंक्रीज बाय 10%, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो बेटे सिलेंडर का, देखो ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी तुम्हारा, देखो परसेंटेज है, मेंसुरेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो क्षेत्रमिति है, तो इसी सहारे हम परसेंटेज वाला अगर हम सीख लिए हैं तो मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम इसी तरीके से बना सकते हैं। देखो सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। देखो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखो आर स्क्वायर एच हो गया ना, यानी तीन लेंथ की यहाँ जरूरत पड़ेगी, वही तरीका अपनाना है। अब देखो कह रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 5% इंक्रीज हो रहा है, तो देखो आर स्क्वायर है यहाँ, ध्यान रखना, एंड हाइट इंक्रीज बाई 10%। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जब वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे तो 5 + 5 प्लस 5 × 5 और बटा में 100 करेंगे, इसका मतलब हो गया 10 और प्लस इधर 0.25 हो जाएगा, क्योंकि 25 में 100 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 10.25 हो गया, पहला राउंड में ये हो गया। फिर इसको सेकेंड से करेंगे, फिर 10% इंक्रीज हो रहा है उसके हाइट में, इसका मतलब 10.25 और प्लस 10 और बटा में 100 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो आपका 2 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो इससे कट गया, यानी 1025 बटा में 1000 हो गया, यानी 1.025 हो गया।
क्योंकि हम देखो काटे नहीं, काटने के बाद वही लफड़ा होगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इधर जो है आपका 20.25 हो गया, एक जीरो डाल दो। इधर जो है तुम्हारा 1.025 आ गया, इसका मतलब हो गया 5, 7, 2, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा, कितना सिलेंडर का वॉल्यूम, इतना परसेंट इंक्रीज करेगा। क्योंकि रेडियस दिया है 5%, तो पहले रेडियस के संदर्भ में हम निकाल लेंगे, जो फार्मूला आपको बताया गया है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो ये निकाल लिया रेडियस के संदर्भ में, उसके बाद जो है इसको कंपैरिजन करेंगे हाइट से। तो जब हाइट से कंपैरिजन करेंगे, चूंकि इंक्रीज ही हो रहा है, तो दोनों को प्लस करके, दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, यानी उसका जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 21.275। अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो सबसे पहले सिलेंडर का रेडियस आर मानोगे, फिर हाइट एच मानोगे, फिर ये फार्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद 5% यानी आर प्लस आर का 5%, फिर उसका हाइट का एच प्लस एच का 10% निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, देखोगे शुरू में कितना था, कितना बढ़ गया, फिर एक में, फिर 100 में कितना टाइम लगेगा। देखो ये शॉर्टकट का जमाना है, और इसीलिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करके हम, बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, फार्मूला का पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, ए क्यूब्स इच साइड इज इंक्रीज बाय 10%। देखो क्वेश्चन है, ए क्यूब इच साइड इज इंक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो बेटे क्यूब अभी बताए थे, स्ट्रक्चर भी आपको बताए थे, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्योंकि क्यूब में सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी सरफेस उसका स्क्वायर के शेप में होता है। कह रहा है उसके इस साइड को, जैसे ये मान लो क्यूब है, यानी ये भी बढ़ा दिया, ये भी बढ़ा दिया और ये भी बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिक है 10% ही बढ़ रहा, तो बड़ा क्यूब बन जाएगा। तो एरिया पर कितना परसेंट इफेक्ट होगा, वही करना है। देखो इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है एल क्यू हो गया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसका मतलब पहले दो लेंथ को हम ले लेते हैं, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10 प्लस 10 यानी 10 गुना 10 आर बटा में 100 हो गया। इतना परसेंट हो गया, जब 2% को लेते हैं, इसका मतलब 0 0 कट गया, तो ये 21% हो गया। अब 21 को फिर 10 से कंपैरिजन करेंगे, इसका मतलब हो गया 21 हो गया प्लस 10 हो गया प्लस 21 गुना 10 आर बटा में 100 हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज हो गया। इसका मतलब ये 31 हो गया प्लस ये 2.10 हो जाएगा, यानी 33.10% उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 डायमेंशनल वाले में आपने देखा कि पहले दो में कंपैरिजन करो, जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड से कंपैरिजन कर देना, क्योंकि क्यूब में सभी है। इसके पहले सिलेंडर वाला था, तो सिलेंडर में हाइट पहले रेडियस वाला को निकालेंगे, दोनों रेडियस को एक साथ करेंगे, क्योंकि उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ चूंकि एल क्यू होता है, तो पहले दो लेंथ को लें, दो लेंथ से जो हमें रिजल्ट निकला 21% निकला, फिर उसको तीसरे से हम कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि लेंथ भी 10% बढ़ रहा है, ब्रेथ भी 10% बढ़ रहा है और हाइट भी 10% बढ़ रहा है। उसके बाद ये 33.13 आपका आ जाएगा, जो बेसिक फार्मूला आपको शुरू में बताए थे उसी के आधार पर आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा आप अंदाज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन है कि ये हॉल्स इच साइड इज रिड्यूस बाय
ए हॉल ईच साइड रिड्यूस बाय, वो घट रहा है 10%, 20%, फिर 10%, वाई वाट परसेंट इट्स वॉल्यूम रिड्यूस्ड। देखो बेटे, ये हॉल है यानी लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, है ना, क्योंकि थ्री डी है। तो पहले 10% बढ़ा है, फिर 20% बढ़ा है, यानी ऑल इस साइड से रिड्यूस बाय, घटा है, सॉरी, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, घटना, है ना, घट रहा है। तो 10%, 20%, 10%, इसका मतलब लेंथ उसका 10% घटा होगा, ब्रेथ उसका 20% घटा होगा और हाइट जो है उसका 10% घटा होगा। तो उसका जो हॉल होगा उसका वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम कितना परसेंट घटेगा, क्योंकि तीनों जगह घट रहा है। पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको थर्ड से कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि घट रहा है इसका मतलब माइनस 10, माइनस 20 प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस मिल करके, फिर 10 गुना 20 और बटा में 100 हो जाएगा, इतना परसेंट। इसका मतलब हो गया कि माइनस 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहता है, इधर आपका जीरो जीरो कट गया, 2 हो गया, इसका मतलब है कि -28% दो में कंपैरिजन करने के बाद आया, निगेटिव ही है। अब नेक्स्ट इसका जब हम निकालेंगे तो -28 फिर कितना है, 10% ही रिड्यूस हो रहा है, तो -10 हो गया, फिर प्लस 28 गुना 10, चूँकि दोनों माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए डबल माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना परसेंट हो गया। इसका मतलब है कि -38 हो गया और प्लस इधर हो गया 2.8, क्योंकि 280 में 100 से डिवाइड करोगे 2.8 ही आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 38 36 हो गया, 36 यानी 35, 35.2 आ जाएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब है इतना परसेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसके वॉल्यूम में। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो 38.0 और 2.8 से माइनस कर दो, 2 हो गया, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये 3, यानी माइनस, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये रिड्यूस हो गया। देखो ऑप्शन में तुम्हारा निगेटिव नहीं दिया रहेगा, ये तो आपने ये रहेगा कि 35.2% रिड्यूस, 35.2% इंक्रीज, या 35.2% या सेम, देयर इज नो इफेक्ट, या ये तीनों को ऐड करके दिया रह सकता है, 20, 10, 30, 10, 40 रह सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये है आपका वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें तो देखो बेटे, हमने आपको 2D का भी बता दिया, 3D का भी बता दिया। अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन जो है इनकम और एक्सपेंसेस पर आधारित बताएंगे, क्योंकि हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग आप करेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें घर कर जाएगी और आप बेटर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या TGT हो, PGT हो, PRT हो, DSSB की तैयारी कर रहे हों, उनको ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, और वो परीक्षा पास करने में उनको आसानी होगी।